अपने इस नए अवतार में Hyundai Creta आई है न्यू लुक, न्यू engines और transmissions और न्यू फीचर्स के साथ। आपने इसकी फीचर्स लिस्ट और वेरिएंट लिस्ट गौर से जरूर देखी होगी। कंफ्यूजन हुआ? वेल, ये कंफ्यूजन बनाना Hyundai और Kia का तो फर्ज बनता है, क्योंकि Creta और Seltos एक्चुअली काफी सिमिलर गाड़ियां हैं, तो इनमें वो डिफरेंस बनाया गया है इसमें फीचर्स चेंज करके अलग वेरिएंट्स में। लेकिन ये कंफ्यूजन को दूर करना हमारा फर्ज बनता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना, हमारा मतलब मेरा और तुषार की आवाज का। लॉकडाउन की वजह से मैं कैमरा तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, पर फिर भी इस वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड में एक ट्विस्ट है। क्योंकि Creta और Seltos इतने सिमिलर है, इस वीडियो में हम आपको Creta के वेरिएंट्स तो समझाएंगे ही, पर आपको ये भी बताएंगे कि हर एक प्राइस पॉइंट पर आपको Creta खरीदनी चाहिए या उस बजट में किया Seltos एक बेहतर चॉइस है। Seltos वेरिएंट्स एक्सप्लेन की तरह यहाँ पर भी हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारे रेकमेंडेड वेरिएंट्स कौन से हैं और क्यों। प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की बात करें तो Creta में आपको टोटल 14 वेरिएंट्स मिलते हैं। किया Seltos की तरह आपको इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी काफी मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर GT लाइन और HT लाइन का ड्यूल ट्रिम कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल बातों में कहूं तो बेस ई वेरिएंट में सिर्फ डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, मिड रेंज EX और S वेरिएंट्स में आपको डीजल मैनुअल और पेट्रोल मैनुअल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। वन बिलो टॉप SX में आपको Creta के सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, और टॉप एंड SXO में आपको 1.5 पेट्रोल मैनुअल के अलावा सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सभी इंजन और ट्रांसमिशंस किया Seltos के साथ शेयर्ड है, मगर एक बड़ा डिफरेंस जरूर है, वो है कि जो टॉप ऑफ द लाइन 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो यहाँ Creta में सिर्फ ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। तो अगर आपको ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चाहिए तो वो आपको सिर्फ किया Seltos में मिलेगा। Creta के साथ आपको बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं कार देखो ऐप पर। Creta की प्राइसिंग शुरू होती है 10 लाख रुपए से फॉर द बेस ई वेरिएंट। तो तुषार, ये वेरिएंट खरीदने लायक है कि नहीं? ई वेरिएंट सिर्फ डीजल बायर्स के लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर डीजल मैनुअल के अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है। बेसिक सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। डे नाइट IRVM और सेंट्रल लॉकिंग भी इस वेरिएंट से आपको मिल जाते हैं। गुड न्यूज ये है कि बेस वेरिएंट में भी Creta बाहर से बजट कट वेरिएंट नहीं लगती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, मिरर्स पर LED इंडिकेटर्स, स्किड प्लेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको इस वेरिएंट से प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। व्हील्स तो आपको 16 इंच के स्टील मिल जाते हैं, लेकिन व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे। कन्वीनियंस फीचर्स भी अच्छे हैं, जैसे फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, और यहां तक कि आपको एक कूल ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी मिल जाता है फॉर द मिरर्स, और एक टायर प्रेशर वार्निंग भी। याद रखिए, ये सिर्फ एक वार्निंग सिस्टम है, यहां पर आपको टायर वाइज प्रेशर नहीं देखने मिलेगा। लेकिन इस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, और जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो MID के इंफॉर्मेशन के लिए ही है। इनफैक्ट अगर आप इस गाड़ी के डैशबोर्ड को देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम की जगह यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एम्प्टी स्पेस है, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आपने एक बड़ा फीचर मिस किया है। अब बेस वेरिएंट के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट इज अदरवाइज नॉट बैड। यहाँ बात डीजल की ही हो रही है, तो अगर Seltos के बेस वेरिएंट से कंपेयर करें तो Creta 35,000 रुपए से सस्ती है, पर आपको Seltos की तरह यहाँ पर रियर व्हील डिस्क ब्रेक्स, 4 स्पीकर्स और एक ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। ऐसे में आपको थोड़ा कॉस्ट फैक्टरिंग करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर मार्केट पार्ट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किया Seltos ले लीजिए,
पर अगर आपको डीलर या एक्सेसरी शॉप से रेट्रोफिट करने में एतराज नहीं है तो उस प्राइस डिफरेंस में जो कि 35,000 रुपए है उसमें आप डायरेक्टली एक आफ्टरमार्केट टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं 12,000 से 15,000 रुपए में। 4 स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे 6,000 से 8,000 रुपए में और आप एक रियर कैमरा भी लगवा सकते हैं। ओवरऑल बजट डीजल बायर्स के लिए दिस इज अ गुड वेरिएंट, एस्पेशली बैंगलोर जैसे शहरों में जहां पर 10 लाख के प्राइस को क्रॉस करने पर लाइफ टाइम टैक्स इंक्रीज हो जाती है। अगर आप पेट्रोल लेना चाह रहे हैं तो उसका बेस वेरिएंट तो ईएक्स वेरिएंट से ही शुरू होता है जो करीबन 10 लाख रुपए के पास है, और अगर आप डीजल ले रहे हैं तो ईएक्स वेरिएंट 1.5 लाख रुपए से महंगा है ई वेरिएंट से। तो ये एक्स्ट्रा कैश के लिए आपको ईएक्स वेरिएंट में मिलता क्या है? ईएक्स वेरिएंट पेट्रोल क्रेटा की बेस मॉडल है और डीजल क्रेटा के लिए 1 अबव बेस। ई वेरिएंट के मुकाबले यहां पर मेन इंप्रूवमेंट्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखाई देंगे, टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहां पर ऐड हो जाते हैं। तो जीरो इंफोटेनमेंट पैकेज से डायरेक्टली अब आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ कन्वीनियंट फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं जैसे एक सनग्लास होल्डर, फ्रंट यूएसबी चार्जर और स्टाइलिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक शार्क फिन एंटेना। पहले डीजल की बात कर लेते हैं एंड इन दिस केस हमारी राय यही रहेगी कि आप इस वेरिएंट को स्किप कर दें। 1.5 लाख रुपए के कॉस्ट इंक्रीज के लिए फीचर एडिशंस यहां पर काफी नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पर क्रेटा डीजल ईएक्स से बेहतर चॉइस है किया सेल्टोस HTK, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट बेनिफिट्स तो मिलते ही है लेकिन रूफ रेल्स, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स और रियर कैमरा विद गाइडलाइंस भी मिल जाते हैं। 2020 अपडेट के साथ सेल्टोस HTK में फ्रंट और रियर यूएसबी चार्जर्स भी आपको अब मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड। पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो क्रेटा एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। 30,000 रुपए के एडेड कॉस्ट पर आपको सेल्टोस HTK पेट्रोल भी मिल जाएगी और एडिशनल फीचर्स वही है जो आपको सेल्टोस डीजल में मिलती है। तो ईएक्स वेरिएंट पेट्रोल बायर्स के लिए एक सेंसिबल ऑप्शन है, लेकिन अगर आप स्ट्रेच करने की सोच रहे हैं टू द एस वेरिएंट तो ध्यान में रखिएगा कि डीजल बायर्स को करीबन 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और पेट्रोल बायर्स के लिए करीबन 1.3 लाख रुपीस। लेकिन तुषार, तू कह रहा था कि एस वेरिएंट तो स्किप ही कर देना चाहिए, इसका कारण क्या है? बताता हूं। इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको क्रेटा ईएक्स वाले ही मिलते हैं। सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए यहां पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स, रियर कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस और फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी के अलावा लुक्स भी ज्यादा यूनिक हो जाते हैं क्योंकि अब भी आपको स्टील व्हील्स ही मिलते हैं, लेकिन व्हील कवर्स को अब एस वेरिएंट में एक ज्यादा यूनिक और डार्क फिनिश मिल जाता है। ये ऑप्शन सिर्फ क्रेटा एस के साथ ही मिलता है। इसके अलावा टेल लैंप्स भी अब LED यूनिट्स बन जाते हैं और SUV लुक को लाने के लिए अब सिल्वर रूफ रेल्स लग जाते हैं और ग्रिल पर एक क्रोम फिनिश भी लग जाता है। इंटीरियर भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, जैसे कि अब आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाता है और रियर विंडोज पर सनशेड्स लग जाते हैं जो दरवाजों के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। मेनली यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जैसे स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, ऑटो AC एंड क्रूज कंट्रोल। एस वेरिएंट से रियर वॉशर एंड वाइपर भी मिल जाता है और रियर पैसेंजर्स को अपनी एक USB चार्जर मिल जाती है और उसके साथ फोन रखने के लिए एक स्लॉट भी। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहां पर अब भी EX वेरिएंट वाला ही है। अब क्रेटा एस से कम प्राइस में आपको किया सेल्टोस HTK प्लस मिल जाएगी जिसमें अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट HTK प्लस में सिर्फ ऑटो AC मिसिंग है जो किया इस नए मॉडल ईयर अपडेट के साथ इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अब क्रेटा एस वेरिएंट में प्रीमियम फीचर्स काफी ऐड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भारी प्रीमियम के लिए एटलीस्ट एलॉय व्हील्स तो दे ही सकते थे। फिलहाल इस प्रीमियम के लिए दी एस वेरिएंट इज ओवरप्राइस्ड, व्हिच इज व्हाई वी से यू कैन स्किप इट। तो समझ गए ना, एस वेरिएंट स्किप। और अब बात करते हैं किया सेल्टोस के HTK प्लस वेरिएंट के बारे में, स्पेसिफिकली उसका ऑटोमेटिक डीजल ऑप्शन जो है। ये बहुत ही हॉट ऑप्शन है क्योंकि इसमें वो प्राइस पर जो आपको इंजन, ट्रांसमिशन और फीचर्स मिलते हैं इसे एक बहुत ही टेम्पटिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और अगर अब क्रेटा SX की बात करें तो ऐसा लगता है कि Hyundai भी यही कुछ चाहता है SX वेरिएंट के लिए। इस वेरिएंट की खूबियां ऐसी है कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि सिर्फ SX वेरिएंट में आपको क्रेटा के सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस क्यों मिलते हैं। सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स में अब स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर व्हील डिस्क ब्रेक्स और एक बर्गलर अलार्म जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इस वेरिएंट से चाइल्ड सीट एंकर्स भी ऐड हो जाते हैं जो फ्रैंकली बेस मॉडल से ही दे सकते थे। एक्सटीरियर की बात करें तो काफी अपग्रेड्स ऐसे हैं जो सिर्फ टर्बो पेट्रोल मॉडल के साथ ही मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.4 टर्बो पेट्रोल डीसीटी मॉडल लेंगे तो उस पे पीछे एक ट्विन टिप एग्जॉस्ट लगा है, स्किड प्लेट्स और रूफ रेल्स दोनों मैट ब्लैक फिनिश वाले मिलते हैं, और फ्रंट ग्रिल पर जो क्रोम लगा है वो डार्क फिनिश वाला है, तो ये झटक पटक कम और स्पोर्टी ज़्यादा लगती है। इसीलिए जहां दूसरे इंजन्स के साथ एसएक्स में क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, टर्बो पेट्रोल में ये बॉडी कलर्ड ही है। पर इन जनरल एसएक्स वेरिएंट से क्रेटा के रेंज में डिस्टिंक्शंस काफ़ी आ जाते हैं। इस वेरिएंट से एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, और क्रेटा के साथ जो ड्यूल टोन ऑप्शंस हैं यानी ऑरेंज विद ब्लैक रूफ एंड व्हाइट विद ब्लैक रूफ, वो इस वेरिएंट से अवेलेबल है। लेकिन एसएक्स का हीरो फीचर है पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, जहां किया सेल्टोस में आपको एक छोटा सनरूफ मिलता है, क्रेटा में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो खुली छत का फायदा रियर सीट ऑक्यूपेंट्स भी ले सकते हैं। इंटीरियर में चेंजेस आपको मेनली टर्बो डीसीटी मॉडल्स के साथ देखने मिलेगा विद दी ऑरेंज कलर पैक। अब याद रखिए कि ऑरेंज कलर पैक आपको एज स्टैंडर्ड मिलेगा विद द डीसीटी मॉडल्स। आपने एक्सटीरियर कलर कौन सा चुना है या आपने ड्यूल टोन ऑप्शन के लिए ऑप्ट इन किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली डीसीटी मॉडल्स के साथ आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद कॉन्ट्रास्ट ऑरेंज फिनिश। ये ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट बहुत माइल्ड है और आपको एसी वेंट्स, स्टेयरिंग लेदर रैप और सीट्स जैसे लोकेशंस पर देखने मिलेगा। डीसीटी वेरिएंट्स के साथ आपको मेटालिक फिनिश वाले स्पोर्ट्स पेडल्स भी मिल जाते हैं। नॉन डीसीटी वेरिएंट की बात करें तो इंटीरियर में मेनली दो चेंजेस हैं। एक, आपको ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग मिलता है और रियर हेडरेस्ट पर एडिशनल कुशंस लग जाते हैं, जो बेसिकली एक एक्सेसरी है। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो अब रियर सीट पैसेंजर्स को एक टू स्टेप रिक्लाइनिंग बैक सीट मिल जाती है, और फाइनली एक रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। रियर हेडरेस्ट अब एडजस्टेबल है और रियर सीट भी अब 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स यानी पेट्रोल सीवीटी, टर्बो पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटो के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स एंड पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट एयर प्यूरिफायर सिस्टम भी एसएक्स वेरिएंट में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मॉडल्स के साथ ही मिलता है। अब एसएक्स वेरिएंट में हमने काफी चेंजेस देख लिए हैं, पर फिर भी बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी अपग्रेड्स देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो अब टच स्क्रीन आपको 10.25 इंच वाला मिलता है, जो एक काफी बड़ा अपग्रेड है। बट स्क्रीन के अलावा आपको Hyundai के BlueLink कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं। जियो फेंसिंग, कार ट्रैकिंग, व्हीकल हेल्थ डेटा, टायर प्रेशर स्टेटस, डोर लॉकिंग अनलॉकिंग, रिमोट एसी कंट्रोल, ये सब आपको BlueLink में मिल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा आपको वॉइस कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जिससे आप एसी, सनरूफ, मीडिया सिस्टम, सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि सीट वेंटिलेशन आपको अगले वेरिएंट में ही मिलेगा। साथ ही साथ BlueLink आप अपने स्मार्ट वॉच के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप डोर्स या इंजन स्टार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और अलर्ट्स भी सेटअप कर सकते हैं। ओवरऑल क्रेटा एसएक्स इज आवर रेकमेंडेड वेरिएंट। इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स के अलावा नए क्रेटा की काफी सारी यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस वेरिएंट में आपको क्रेटा के सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इससे आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। सेल्टोस HT-X वर्सेस क्रेटा SX, दोनों में अपनी खूबियां हैं, जैसे परफ्यूम डिफ्यूजर, लेदर अपहोल्स्ट्री जो आपको सेल्टोस में मिलेंगे, और पैनोरामिक सनरूफ और थोड़ा ज्यादा एडवांस कनेक्टेड कार टेक पैकेज जो आपको क्रेटा में मिल जाएगा। ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पर क्रेटा SX इज द बेटर चॉइस, क्योंकि अपने प्राइस प्रीमियम के लिए आपको कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। पर हाँ, अगर आप क्रेटा SX DCT टर्बो पेट्रोल को कंसिडर कर रहे हैं और फ्यूल टाइप पर ज्यादा अडल नहीं है, तो 30,000 ज्यादा डालकर आपको सेल्टोस HT-X प्लस ऑटोमेटिक डीजल मिल जाएगी, जिसमें पावर ड्राइवर सीट, बोस म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो आप किसे चूज करेंगे, क्रेटा या सेल्टोस? प्लीज हमें बताइएगा कॉमेंट्स में। और आगे हम बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वेरियंट, द टॉप ऑफ द लाइन SXO। SXO वो प्लस वन वेरिएंट है, जिसमें काफी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं अगर आपको अपग्रेड करना हो तो। पेट्रोल मैनुअल के अलावा यहाँ आपको क्रेटा के सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट सेफ्टी के मामले में, क्योंकि अब आपको साइड और कर्टन एयरबैग्स मिल जाते हैं। साथ में अब मिलते हैं ऑटो डिमिंग IRVM और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे फीचर्स। पर लुक्स में कुछ डिफरेंस है क्या SX के मुकाबले? तो एक्सटीरियर के केस में फर्क सिर्फ ये 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स का है, एक्सेप्ट जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन पेट्रोल ऑप्शन है उसके साथ ये व्हील्स नहीं आते।
उसके साथ आपको मिलेंगे प्लेन ग्रे अलॉयज। इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए अब लेदरेट अपहोस्ट्री मिल जाता है और डीसीटी वेरिएंट में सीट्स पर ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट फिनिश लग जाता है। इनके अलावा काफी कन्वीनियंस फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एयर प्यूरिफायर, जो अब आपको मैनुअल वेरिएंट्स के साथ भी मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अब आपको हाईलाइन स्पेक मिलता है, तो आपको टायर वाइज प्रेशर रीडिंग डेटा मिल जाता है। एंड फाइनली बोस 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर देता है। अब सबसे पहली बात, अगर आपको बेसिक कम्यूटिंग के लिए एक फीचर रिच SUV चाहिए तो SX DCT के बदले आप SXO पेट्रोल CVT खरीद सकते हैं। इसके साथ आपको टर्बो पेट्रोल का पंची परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में ऑफिस कम्यूटिंग के लिए इट इज़ अ गुड ऑप्शन और आपको वही प्राइस में ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। ओवरऑल एडेड फीचर्स के लिए प्राइस प्रीमियम एक्सेप्टेबल है, और अगर आप SX के ऊपर SXO तक अपग्रेड करना चाहते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द प्राइस। अब सेल्टॉस GTX प्लस के साथ कंपेयर करेंगे तो मेनली क्रेटा में आपको पैडल शिफ्टर्स और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो सेल्टॉस में नहीं है, और सेल्टॉस में परफ्यूम डिफ्यूजर, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो टॉप स्पेक मॉडल्स में ऑफकोर्स कोई रॉन्ग चॉइस नहीं है, पर अगर पैनोरामिक सनरूफ और पैडल शिफ्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो आप क्रेटा SXO को चुनिए। पर हाँ, अगर इन दोनों फीचर्स को नज़रअंदाज किया जाए तो सेल्टॉस में आपको इक्विपमेंट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ ऑफकोर्स कोई रॉन्ग चॉइस नहीं है, पर आपके ऊपर है कि आपको कौन से फीचर्स को ज़्यादा वेटेज देना है। थैंक यू फॉर द हेल्प तुषार, और आप सभी को हम अब दिखा रहे हैं हर वेरिएंट का वर्डिक्ट एक और बार। आप कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप कौन सा वेरिएंट चूज करते और क्यों। लॉकडाउन की वजह से ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो बनाने में हमें थोड़ी देर हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हमने और भी सारे वीडियोस बनाए क्रेटा पे, फर्स्ट ड्राइव, कंपैरिजन विद सेल्टॉस, तो वो सब देखना भूलिएगा मत। और हमारे साथ बने रहने के लिए वो जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आप सेल्टॉस ले रहे हो या क्रेटा या आपकी कोई और गाड़ी हो, इंश्योरेंस रिन्यू करना मत भूलिएगा। और बेस्ट डील्स ऑन इंश्योरेंस, head to insurancedekho.com।